अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें, हेल्दी रहें और मज़े मज़े के खाने इंजॉय करते रहें मेरी रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी अफ़गानी टिक्का की। बहुत आसानी से और बहुत झटपट हम अफ़गानी टिक्का रेस्टोरेंट स्टाइल घर में तैयार करेंगे। तो देखते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई और मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अफ़गानी टिक्का बनाने का प्रोसेस और देखते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चिकन मैंने ली है बोनलेस तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो, और इसके साथ जो जो मसाले इसमें यूज़ होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। सबसे पहले चिकन में ऐड करना है मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर। आप पेस्ट फॉर्म में भी इसे ऐड कर सकते हैं। तकरीबन एक एक टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है। सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई मैंने इसमें ऐड करनी है 5 से 6, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत कम पानी के साथ आप इसे ग्राइंड कर लें। क्रीम जाएगी इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसमें मैंने ऐड कर देना है दही। दही को आपने इसमें से इसका पानी अलहदा कर लेना, गाढ़ा दही होना चाहिए। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा का पाउडर, और इसे मिक्स करना है। और इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड करनी है, काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, और इसमें आप वाइट मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे हमने 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि तमाम फ्लेवर्स बहुत अच्छे से चिकन में एडजस्ट हो जाएं। और जब 2 घंटे गुजर जाएंगे तो हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे बारबेक्यू का टच देने के लिए, क्योंकि टिक्का है और अफ़गानी टिक्का तो इसको ज़रूर हमने बारबेक्यू फ्लेवर देना है, बहुत ही मज़े का लगेगा। कवर कर दें इसे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अगर कोयला नहीं है घर में तो नो प्रॉब्लम, ये ऑप्शनल है। तो स्मोकी चिकन हमारी तैयार हो चुकी है, स्क्यूअर्स में इसे लगाएंगे। मैं इसके साथ इसमें लगा रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज क्यूब्स में कटा हुआ, आपकी मर्ज़ी है चाहे इसमें लगाएं या ना लगाएं। तो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त चिकन के साथ आता है। अकेली चिकन खाने का वो टेस्ट नहीं आएगा, जब इसके साथ वेजिटेबल्स ऐड होंगी तो बहुत खूबसूरत से इसका लुक आएगी और खुशबू बहुत प्यारी आती है पूरे घर में, और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बहुत हल्की आंच पे लाइट से कुकिंग ऑयल के अंदर हमने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी जल्दी झटपट ये तैयार हो जाएगा। दोनों साइड से जब गोल्डन हो जाए तो इसे डिश आउट कर लें, बिल्कुल इसके अंदर कच्चापन नहीं रहेगा। अब इसका तैयार करते हैं प्लेटर। तो मज़ेदार से और ख़ूबसूरत हमारी टिक्के रेडी हो चुके हैं। इसको मज़ीद मैं फ़्लेवरफुल बनाने के लिए इसकी गार्निशिंग कर दूंगी गार्लिक मायो सॉस के साथ, जिससे इसकी खूबसूरती में लग जाएंगे 4 चांद और फ़्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो गार्लिक मायो सॉस भी ऑप्शनल है, अगर आप दिल चाहे तो आप ऐड करें, वरना सिंपल टिक्के भी बहुत मज़े के हैं। तो इन्जॉय करें आज की रेसिपी। अगर आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोस और मज़े मज़े की रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुँचें और कोई रेसिपी आपसे मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।